बचपन से ही हमने देखा है फिल्मों में ऑडियंस को डराने के लिए कंकाल या खोपड़ी जैसी चीजें दिखाई जाती हैं, पर यह डरने वाली बात नहीं है। शुक्र करने वाली चीज है कि हमारे पास ये हड्डियां मौजूद हैं। जी हाँ, इन्हीं हड्डियों के दम पर हमने धरती पर अपना अस्तित्व बचा कर रखा है। क्या आपने कभी यह सोचा है कि कल अचानक से आपकी हड्डियां गायब हो जाएं तो क्या होगा? हड्डियां गायब होने पर सबसे पहले आपके शरीर का संतुलन बिगड़ जाएगा। अगर आपकी रीढ़ की हड्डी अचानक से गायब हो जाएगी तो बिना हड्डियों के आप खड़े भी नहीं रह पाएंगे और जमीन पर इस तरह से फैले मिलेंगे जैसे कोई मोम का पुतला अचानक पिघल गया हो। बिना हड्डियों के चलना फिरना तो बिल्कुल भूल ही जाइए। आपको सारा दिन बिस्तर पर ही रहना पड़ेगा और कहीं भी जाने के लिए रेंगने के अलावा कोई विकल्प नहीं रहेगा। रेंगने में परेशानी यह है कि जमीन पर पड़ी धूल आपके फेफड़ों में जा सकती है, क्योंकि अब शरीर में हड्डियां नहीं है तो बोन मैरो भी नहीं होगी, और अगर बोन मैरो नहीं होगी तो बाहर के इन्फेक्शन से बचाने वाले वाइट ब्लड सेल्स भी नहीं होंगे, तो ये धूल बहुत खतरनाक भी हो सकती है। तरह तरह के इन्फेक्शन, जुकाम, निमोनिया और न जाने क्या क्या शरीर को जकड़ सकता है, पर शायद इसकी भी नौबत ना आए। धूल भी तो तब जाएगी जब आप सांस ले पाएंगे। अब क्योंकि आपके पास हड्डियां नहीं है तो रिब केज भी नहीं है, यानी आपके फेफड़े आपकी स्किन से बिल्कुल सट कर रहेंगे, जिस वजह से हवा के अंदर आने पर वो फूल नहीं पाएंगे। सांस लेना ऐसे में मुश्किल हो जाएगा। और चलिए मान लेते हैं कि आप सांस लेने में कामयाब हो भी गए तो बोन मैरो एने होने की वजह से रेड ब्लड सेल भी बॉडी में नहीं होंगे। यही रेड ब्लड सेल तो ऑक्सीजन को शरीर में यहां से वहां करते हैं। अब लंग से ऑक्सीजन निकल भी जाए तो कहां जाए? जबड़े की हड्डी ना होने की वजह से मुंह या तो हमेशा खुला रहेगा या तो हमेशा बंद। कुछ भी खाना मुमकिन नहीं होगा, बोल भी नहीं सकते। और सोचिए ऐसी जिंदगी का तो क्या ही फायदा जहां खुद अपने पैरों से रेस्टोरेंट के अंदर जाकर आप ऑर्डर ना दे पाए, अपने मुंह से खाना ना खा पाए। इंसानी स्तर पर यह जिंदगी बहुत ही दयनीय होगी। लेकिन हम ये मानते हैं कि अब तक हमने जो भी आपको बताया है वो ये मानकर बताया है कि बाकी की दुनिया एक समान रहेगी और सिर्फ आपकी हड्डियां गायब हो जाएंगी। पर अगर पूरी इंसानी प्रजाति ही हमेशा हड्डियों के बिना रही होती तो क्या होता? सबसे पहले देखते हैं कि हम चलते कैसे। ये बहुत ज्यादा मुमकिन है कि हम किसी जोंक या स्नेल की तरह रेंगते हुए आगे बढ़ते हैं। अगर ये नहीं तो शरीर चाहता तो एक केंचुए की तरह भी इवॉल्व कर सकता था, जिसके शरीर पर छोटे छोटे ब्रिसल्स होते हैं जैसे कि आपके टूथब्रश में, और उनकी मूवमेंट से हम चल पाते। सभी जीव पहले समुद्र में हुआ करते थे और जमीन पर सिर्फ पेड़ रहते थे। बिना हड्डियों के ये भी पूरी तरह मुमकिन है कि शायद हम कभी समुद्र से बाहर ही ना निकल पाते और जेलीफिश की तरह यहां वहां भटकते। इसके बाद सांस लेने की प्रक्रिया में उतनी दिक्कत ना आती। वैसे अगर हमें बिना हड्डियों के ही जीना होता तो कुदरत हमें फेफड़ों की जगह पर गिल्स दे देती, जिससे हम आसानी से सांस ले पाते। खाने में बस लिक्विड खाना पड़ता, क्योंकि अब खाना चबा नहीं सकते हैं और बिना चबाए खाने का डाइजेशन या पचना मुश्किल है। या फिर एक नया डाइजेस्टिव सिस्टम डेवलप होता जिसमें हम चाहे जो खा सकते थे। पर इस नए डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारे पेट में अभी की मात्रा में और ज्यादा एसिड होना आवश्यक था, वरना खाना नहीं पचता और शरीर को पोषण नहीं मिलता। हालांकि बहुत सी दिक्कतों को इस तरह से खत्म किया जा सकता था, पर अगर हम हड्डियों वाले इस तरह के जीव होते तो हम बेहद ही कमजोर होते और ज्यादातर अपने अस्तित्व को बचाने की लड़ाई में लगे होते। बिना हड्डियों के ना तो हमारे पास हमारी शारीरिक शक्ति होती और ना ही अपने दिमाग जैसे जरूरी अंगों को बचाने का कोई भी साधन। बिना हमारे स्कल या खोपड़ी के हम सिर्फ एक छोटी सी टक्कर से ही अपने दिमाग को घायल कर सकते थे, जिस वजह से मौत होना लाजमी थी। और समुन्द्र में बड़ी मछलियां या बाकी जानवर इसका फायदा उठा सकते थे। साथ ही स्कल ना होने की वजह से हमारा दिमाग कभी विकसित नहीं होता और ना ही उसके साइज में फर्क आता, जिस वजह से वो उतना ही बड़ा रहता जितना हमारे जन्म के वक्त था। दोस्तों, माने या ना माने पर हड्डियां हमारे शरीर की शक्ति व क्षमता को कई गुना बढ़ा देती हैं, जबकि इनका वजन हमारे कुल वजन का केवल 15% ही होता है।
साथ ही घुटनों और पैरों के जॉइंट गिरते, चलते, खेलते हुए हमारे पूरे शरीर का बोझ उठाए रखते हैं। हड्डियों की साइंस भी बेहद रोचक है। अब यही देख लीजिए कि यूं तो आपके शरीर में 206 हड्डियां होती हैं, पर उनमें से लगभग आधी हड्डियां केवल हमारे हाथों और पैरों में ही होती हैं, जिसमें से हाथों में 64 और पैरों में 60 हड्डियां होती हैं। हड्डियों की संख्या की ही बात की जाए तो एक रोचक तथ्य यह भी है कि इंसान और जिराफ दोनों की गर्दन में एक बराबर ही 7-7 हड्डियां होती हैं, बस जिराफ की हड्डियां थोड़ी बड़ी हैं। ये तथ्य इसलिए भी खास है कि ऐसा बाकी जानवरों में नहीं देखा जाता। ज्यादातर जानवरों की गर्दन में एक ही हड्डी पाई जाती है। आपको ये जानकर भी हैरानी होगी कि हमारी हड्डियों में लगभग 50% पानी होता है और अब बाकी 50% में आयरन, कैल्शियम और अन्य पदार्थ। इसलिए हमारी हड्डियां बेहद ही खास हैं। और अब आशा करते हैं कि आप रोज दूध पीकर उनका बेहतर ढंग से ख्याल भी रख रहे होंगे। हमारी तरफ से आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं। हमसे कोई भी सवाल पूछना हो या सुझाव देने हो तो आप हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम पर कभी भी लिख सकते हैं। चलिए अब हमें इजाजत दीजिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।